सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और सबसे पहले वीडियो देखने के लिए बेल आइकन दबाइए ताकि आपको समय से नोटिफिकेशन मिल सके। नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और देखिए, आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, आपकी सीटेट की जो आंसर की है वो आपकी आ चुकी है, जिसका आप बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। सीटेट की आंसर की को लेकर, इसके रिजल्ट को लेकर के, रिजल्ट कब आएगा, आंसर की कब आएगी, क्योंकि आपको पता है बिहार में शिक्षक भर्ती चल रही है, उसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स ने अपीयरिंग में डाला हुआ है, तो उनको सीटेट के रिजल्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसी के सापेक्ष आपका अब यहाँ पे सीटेट की आंसर की आ चुकी है। जैसा कि मैंने कल के वीडियो में ही आपको बताया था कि इसकी जो आंसर की है वो 20 से 21 तारीख तक आने की संभावना है पूरी, तो उससे पहले ही आपकी आंसर की आ चुकी है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा काम किया गया है। और इसका जो रिजल्ट है वो 28 सितंबर को बताया जा रहा है आएगा, तो अब ये कन्फर्म सा होता जा रहा है कि 28 सितंबर तक आपका रिजल्ट आ ही जाएगा, 100% आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि आंसर की आ चुकी है। तो आपका बहुत जल्दी से जल्दी ये करना चाहेंगे इस रिजल्ट को लेकर के, तो अब देखते हैं 28 तारीख तक रिजल्ट आना बहुत ही पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा आपकी हो चुकी है। तो आप किस तरीके से आंसर की को मिला पाओगे, क्या आपको करना है, कैसे मिलाना है, सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको हर एक इन्फॉर्मेशन मैं दे पाऊँ और आपको अच्छी तरीके से यहाँ पर गाइड कर पाऊँ। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं कि आप किस तरीके से आंसर की को डाउनलोड कर सकते हो। तो देखिए साथियों, आपको क्या करना है, आपको अपने मोबाइल में या आप लैपटॉप में हैं, किसी में भी हैं, तो आपको इस तरीके सर्च बॉक्स में गूगल क्रोम के, यहाँ पर गूगल क्रोम खोलना है, उसमें सर्च बॉक्स में यहाँ पर सीटेट आपको डाल देना है। सीटेट डाल दीजिए या आप सीटेट.nic.in डाल दीजिए तो भी आपका आ जाएगा, या आप सीटेट डाल देंगे फिर भी आपका आ जाएगा, ठीक है। तो सीटेट पे ही मैं क्लिक कर देता हूँ और जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे आ चुकी है। अब इस पे ही हमको क्लिक करना है, जैसे कि आप देख रहे हो इस पे हम क्लिक कर देंगे तो ये हमारी खुल जाएगी। तो जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो आप सीधा रिडायरेक्ट हो जाते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप नीचे के साइड पर जाएंगे तो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर एक आपको सेक्शन दिख रहा है, ये सेक्शन देख लीजिए, यहाँ पे देखिए ये जो आपको सेक्शन दिख रहा है यहाँ पे देखिए लिखा हुआ पब्लिक नोटिस डेटेड 15/9/2023 सीटेट अगस्त 2023 आंसर की चैलेंज। तो यहाँ पर देखिए आंसर की के बारे में कहा गया है कि आंसर की वो आप चैलेंज कर सकते हो, आंसर की अपनी डाउनलोड कर सकते हो। तो ये आपका नोटिस है, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये जो नोटिस है वो आपका डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो नोटिस डाउनलोड हो गया इसमें क्या कह रहा है तो देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो इसके अंतर्गत आपको देखने के लिए मिल जाएगी। फिर आपको बताऊंगा कि आप आंसर की किस प्रकार से डाउनलोड कर पाओगे। तो देखिए ये आपका नोटिस है जिसे आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पे, लिखा हुआ है माध्यमिक केंद्रीय माध्यमिक बोर्ड शिक्षा बोर्ड, आप देख सकते हो यहाँ पर, और ये आज आपकी डेट है, आप देख लीजिए 15/9/2023 की यहाँ आपका ये आई है आंसर की। और यहाँ पर देखिए तो लिखा हुआ है, देखिए सीटेट सार्वजनिक नोटिस अगस्त 2023, तो ये आपका नोटिस है, सार्वजनिक नोटिस है, जिसमें देखेंगे तो OMR उत्तर पत्रिकाओं की स्कैन की गई छवियां तथा उत्तर कुंजी का प्रदर्शन और उत्तर कुंजी की चुनौतियों के संदर्भ में यहाँ पर जो आपका नोटिस है उसे पब्लिश किया गया है, आप देख लीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको देखिए सभी इन्फॉर्मेशन देखने के लिए यहाँ पर मिल जाएगी। तो ये देखिए आपका ये पूरी इन्फॉर्मेशन है आपकी, जिसमें देखिए लिखा हुआ है कि अगस्त 2023 में आयोजित सीटेट में उपस्थित हुए सभी उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि उम्मीदवार की OMR उत्तर पुस्तिका की स्कैन की गई छवियां और उत्तर कुंजी वेबसाइट सीटेट.nic.in 15/9/2023 से और 18/9/2023 रात 12 बजे तक अपलोड की गई हैं। तो ये आपकी अपलोड की गई हैं, आप देख सकते हो यहाँ पर। अब देखें उम्मीदवारों के लिए उत्तर कुंजी को 15/9/2023 से 18/9/2023 12 बजे वेबसाइट इतने पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से चुनौती देने का प्रावधान और चुनौती का शुल्क प्रति प्रश्न यानी ₹1000 आपको एक प्रश्न का ऑब्जेक्शन करने के लिए यहाँ पर लिए जाते हैं। जैसा कि आपको बहुत पहले से ही पता है ये ऐसा होता है, यहाँ पे ₹1000 लिए जाते हैं जिसे आप डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से किसी से भी माध्यम से यहाँ पे जमा कर सकते हैं, भुगतान कर सकते हैं, और किया गया जो भुगतान आपका वो कैसा है वापस नहीं किया जाएगा, ये चीज़ याद रख लीजिएगा।
देखिए, यदि बोर्ड द्वारा चुनौती स्वीकार कर ली जाती है, यानी कि यदि विषय विशेषज्ञ द्वारा उत्तर कुंजी में कोई गलती देखी जाती है तो नीतिगत निर्णय अधिसूचित किया जाएगा और शुल्क वापस कर दिया जाएगा। अगर आपने जो ऑब्जेक्शन किया और ऑब्जेक्शन आपका स्वीकार कर लिया गया कि हाँ ये मेरा क्वेश्चन गलत था, आपने सही बताया है, तो वो क्वेश्चन आपका चेंज कर दिया जाएगा, आपके पैसे वापस कर दिए जाएंगे। रिफंड, यदि कोई हो संबंधित क्रेडिट कार्ड खाते क्रेडिट डेबिट कार्ड खाते में ऑनलाइन स्थानांतरण किया जाएगा तो आपका वापस कर देंगे, ये ऑनलाइन ही, ठीक है। इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने स्वयं के डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से ही भुगतान करें। तो आप चाहते हो कि हमारे कार्ड में ही वापस लौट के आए पैसे, तो आप अपने ही कार्ड से इसको भुगतान जरूर से करिएगा, किसी दूसरे के साइबर कैफे वाले से जाकर मत करवा दीजिएगा, नहीं तो उसी के खाते में लौट जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा क्या हुआ। चुनौतियों पर बोर्ड का अंतिम निर्णय होगा और आगे की संचार पर विचार नहीं किया जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सभी चुनौतियों का यहाँ पे बोर्ड यहाँ पे करेगा, इसका मतलब अवलोकन करेगा, और अगर आपके सही क्वेश्चंस मिलते हैं तो वहाँ पे आपको आपके पैसे वापस कर दिए जाएंगे। तो आप देख सकते हो ये आपका पूरा नोटिस है जिसे आप देख सकते हैं। यहाँ पे इम्पोर्टेंट डेट देख लीजिए, 15 से और 18 तक आपकी उत्तर कुंजी यहाँ पे अपलोड रहेगी, यहाँ पे देख सकते हो। और यहाँ पे इसे ही पढ़ेंगे तो ये इंग्लिश में आपको देखने के लिए मिलेगा, जिसमें इंग्लिश में आप इसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो डिस्प्लेड ऑफ द स्कैंड इमेज OMR शीट्स डिस्प्लेड चैलेंजिंग इन द आंसर कीज, देखिए लिखा हुआ है ऑल द कैंडिडेट्स हुअर अपियर्ड इन द सीटेड ऑन 20 अगस्त 2023 इन्फॉर्म दैट द स्कैंड ऑफ OMR आंसर सीट एंड द कैंडिडेट्स आंसर आर अपलोडेड ऑन द वेबसाइट seated.nic.in 15 9 2023 टू 18 9 2023 12 बजे तक आपके अपलोड रहेंगे। देयर प्रोविजन ऑफ कैंडिडेट्स चैलेंजिंग द आंसर की थ्रू द लिंक ऑफ द अवेलेबल, ये आपकी लिंक है जिससे आप यहाँ पे चैलेंजेस कर सकते हो, और आपके चैलेंजेस भी 15 से 18 तक लिए जाएंगे, ₹1,000 प्रति चैलेंज पर लिए जाएंगे। और रिक्वायर्ड टू बी अ सबमिट ऑफ द थ्रू द डेबिट कार्ड एंड द क्रेडिट कार्ड द फीस वंस पेड इज नॉट रिफंडेबल नॉन रिफंडेबल, आपकी फीस वापस नहीं करी जाएगी। तो आप देख सकते हो इफ़ द चैलेंज ऑफ एक्सेप्टेड बाई द बोर्ड, ये अगर आपके साथ बोर्ड के साथ आपके यहाँ से एक्सेप्ट कर लिया जाता तो आपके पैसे वापस किए जाएंगे, ये सब कुछ आप पढ़ चुके हो, ठीक है। ये आपका नोटिस था। अब मैं बताऊँगा आप आंसर की किस तरीके से डाउनलोड करोगे। तो वापस आ जाता हूँ मैं ऑफिशियल वेबसाइट पर, तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जैसे ही मैं वापस आता हूँ तो यहाँ पर आपको नीचे के सेक्शन में आप जाएंगे तो यहाँ पर एक चीज़ आपको देखने में सबमिट द चैलेंज की, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ सबमिट द चैलेंज की डाउनलोड द सीटेट अगस्त, ये तो आपका वो था एडमिट कार्ड वाला सिस्टम, तो यहाँ पर आप इस पर क्लिक कर लीजिए। देखिए ये लिखा हुआ सबमिट द की ऑफ चैलेंज, तो इसी पर आप क्लिक कर लीजिए। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से आपका पेज खुलेगा, और पेज खुलने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एक आपको दिख रहा है, देखिए ये लिखा हुआ सबमिट की चैलेंजिंग, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे की साइड पे अगर आप देखेंगे तो ये देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे सबमिट की चैलेंज, और यहीं पे आपको क्लिक कर देना जो रेड रेड का दिख रहा है, इसी पे जब से आप क्लिक करेंगे तो अब आपके पास कुछ इस तरीके से पेज खुलेगा जिसमें आपको यहाँ पे रोल नंबर अपना डालना है, यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है, ठीक है। तो रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल के यहाँ पे आप लॉग इन करना है, तो मैं लॉग इन कर लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ किस तरीके से आपको ये दिखाएगा, ओके चलिए। तो देखिए साथियों आप इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आपका पेज खुल जाएगा, यहाँ पे आपको डाउनलोड आंसर की करने के लिए देखिए लिखा हुआ डाउनलोड आंसर की, यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं आंसर की को, और यहाँ से आप देख सकते हैं सेकंड पेपर की है ये आपकी, यहाँ पे डाउनलोड आंसर की, तो इनको आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो आंसर की है वो आपकी डाउनलोड हो जाएगी, जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपकी आंसर की डाउनलोड हो जाएगी। और जैसे डाउनलोड OMR सीट पेपर फर्स्ट, यानी पेपर फर्स्ट में जो OMR सीट आपने मतलब भरी थी वो, और यहाँ पे पेपर सेकंड में जो OMR सीट भरी थी वो यहाँ पे डाउनलोड करने के लिए इन दोनों पे आप क्लिक कर दीजिएगा तो आपकी ये डाउनलोड हो जाएगी। तो दोनों चीज़ें इस तरीके से आपकी डाउनलोड हो जाएंगी, और डाउनलोड होने के बाद किस तरीके की दिखेंगी तो वो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे जैसे मान लो इस पर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा डाउनलोड आंसर की वाले पे, तो ये आपका जो डाउनलोड आंसर की है वो आपकी डाउनलोड हो जाएगी, और कुछ इस प्रकार से आपकी आंसर की दिखेगी। देखिए ये आपका आंसर की दिख रहा है, और जैसा ये आपका सेट नंबर है उस हिसाब से अपना देख लीजिए यहाँ पे, तो ये देख सकते हो आपका ये आंसर की हो गया। इसी प्रकार से मैं यहाँ पे वापस आऊँगा, और देखिए यहाँ पे फिर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ दूसरे पेपर की यहाँ डाउनलोड आंसर की करना चाह रहे हैं तो ये डाउनलोड का आंसर की रहा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इसकी भी डाउनलोड आंसर की आपकी हो जाएगी।
ठीक है। तो देखिए इस तरीके से आपकी इसकी भी आपकी आंसर की है वो डाउनलोड होगी। और आप अगर OMR सीट डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो आप सीधा नीचे यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपके सेक्शंस बने हुए हैं, ये आप देख लीजिए यहाँ पे। इसमें आप अगर बन की करना चाह रहे हैं तो ये आपका बन की OMR हो जाएगी और यहाँ सेकंड की OMR हो जाएगी। तो बन की OMR पे मैं क्लिक करता हूँ और डाउनलोड करके दिखाता हूँ। तो देखिए साथियों आपका जो OMR सीट होगा वो इस तरीके से डाउनलोड होगा, आप देख सकते हो। आप जैसा भी भर के आए हो वही आपकी OMR सीट यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। तो यहाँ पे देख सकते हो मैन यहाँ बुकलेट नंबर है वो आपका सी है, और यहाँ पर अभी आप देख सकते हो जो लैंग्वेज फर्स्ट के लिए चूज करा गया है वो आप देख सकते हो, ये बुकलेट कोड सी, और यहाँ पर जो लैंग्वेज आप सेकंड देख सकते हैं इसके लिए भी बुकलेट कोड सी आपका। तो दोनों सेम ही हैं, तो सेम होने भी चाहिए तभी आपके मैच खाएंगे। तो यहाँ पे सभी चीज़ यहाँ पे देख सकते हो, ये आपकी आंसर शीट आपको दी गई है पूरी आपकी भरी हुई है, आप जो रिस्पॉन्स देकर आए हो वो आप सब देख सकते हो। तो जब आंसर की मिलाओगे तो इसी के हिसाब से आपको आंसर की मिलानी है। अगर आप नहीं मिला पा रहे तो एक अलग से एक वीडियो दूंगा, उसमें बताऊंगा किस तरीके से आपको मिलाना है। वैसे आप मिला लोगे इतने तो होशियार हो आप, ठीक है। तो चलिए, और आपका दूसरा जो OMR सीट होगा वो भी इसी तरीके से डाउनलोड होगा और वो भी इसी तरीके का दिखेगा, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी किस तरीके से आपको डाउनलोड करना है। अब अगर आप चाहोगे कि किस तरीके से आंसर की मिलाना है ये भी आपको वीडियो चाहिए तो मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी किस तरीके से आपको डाउनलोड करनी है, ये आपको अपनी OMR सीट किस तरीके से डाउनलोड करनी है, और आंसर की जो आपको बता दिया किस तरीके से डाउनलोड करनी है, आप मैच कर लीजिए इसको, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।